मैं हूँ विकास और बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओमेगा विथ मिराकल में। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि समय समय पर मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर और आपके लैपटॉप पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से हम लघु उत्तरीय प्रश्न केमिस्ट्री का VVI जो 2019 एग्जाम के लिए बहुत बहुत क्या है, वेरी वेरी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम फिर से शुरू करने वाले हैं। हाँ, एक आवश्यक आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ मेरा डेली का जो सेट सीरीज के रूप में जब आपको प्रश्न मिलता रहे इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी तो आपको नोटिफिकेशन के रूप में हमेशा मैं जो भी क्वेश्चन अपलोड करूँगा आपको मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि हेनरी के नियम को लिखें एवं इसके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग बताएं। कह रहा है कि हेनरी के नियम को लिखें, हेनरी के नियम को लिखें एवं इसके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग को बताएं। तो हेनरी का नियम कहता है कि किसी गैस की किसी द्रव में विलेयता, कहता है किसी गैस की किसी द्रव में विलेयता, उस विलेयता गैस के दाब का समानुपाती होता है, गैस के दाब का समानुपाती होता है, अर्थात पी प्रोपोर्शन एक्स। पी का मतलब हुआ आपका क्या है, प्रेशर है, और एक्स का मतलब क्या है, विलेयता है। तो यहाँ पे लिखा है कि पी बराबर, अगर इसको कॉन्स्टेंट है रखते हैं, देखिए हेनरी कॉन्स्टेंट लगता है, यह जो KH लिखा है यह क्या आपका हेनरी कॉन्स्टेंट है, और इंटू एक्स, जहाँ पी बराबर गैस का आंशिक दाब, यह क्या है, पार्शियल प्रेशर है, और एक्स जो है विलयन में गैस का मूल भिन्नांक, और KH जो है आपका क्या है, हेनरी कॉन्स्टेंट है, हेनरी स्थिरांक है। हेनरी का उपयोग कहता है, हेनरी के उपयोग का मतलब कि अपने दैनिक जीवन में हमारे हेनरी के नियम का क्या उपयोग किया जाता है। तो कहता है कि सोडा जल एवं शीतल पेय में CO2 की घुलनशीलता बढ़ाने के हेतु बोतल को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। मतलब सोडा जल हो या शीतल कोई पेय पदार्थ हो, उसमें CO2 की घुलनशीलता क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए बोतल को हाई प्रेशर पर बंद किया जाता है। तभी तो हम लोग जो बोतल को ओपन करते हैं तो बहुत तेज से क्या करता है, झाग निकलता है, यानी उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। दूसरा, अधिक ऊंचाई पर रक्त में ऑक्सीजन की विलेयता कम हो जाने पर, अधिक ऊंचाई पर रक्त में ऑक्सीजन की विलेयता कम हो जाने से पर्वतारोहियों में सोचने की क्षमता कम होती है और वे कमजोरी महसूस करने लगते हैं। यानी कि अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन में जो विलेयता है वह क्या होती है, कम हो जाती है। तो यही आपका बताया है कि विलेयता और प्रेशर पर संबंधित हेनरी का नियम, तो हमारे दैनिक जीवन में ये दो उपयोग मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फैराडे के विद्युत अपघटन नियम को लिखें। फैराडे ने विद्युत अपघटन संबंधित कुछ नियम बताए थे, वे नियम क्या है। तो कहता है कि पहला जो है विद्युत विच्छेदन का प्रथम नियम, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का प्रथम नियम है। कहते हैं कि किसी विद्युत विच्छेदन में इलेक्ट्रोडों पर जमा होने वाला पदार्थों की मात्रा, कहते हैं किसी विद्युत विच्छेदन में इलेक्ट्रोडों पर जमा होने वाला पदार्थ की मात्रा घोल में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा का समानुपाती होता है। यानी कह रहा है कि किसी विद्युत विच्छेदन में इलेक्ट्रोड पर जो जमा होने वाला क्या है, मास है, इलेक्ट्रोड पर जो जमा होने वाला क्या है, मास है, वेट है, वह उसमें विद्युत धारा के जो आवेश प्रभावित होता है क्यू, उसका क्या होता है, प्रोपर्शन होता है, यानी कि W प्रोपर्शन क्यू। और हम जानते हैं कि क्यू बराबर क्या होता है, सी टी, क्यू बराबर सी टी, इसलिए W समानुपाती क्या हो जाएगा, सी टी। तो W बराबर, और उसको हटाते हैं तो कॉन्स्टेंट होता था, क्या कहता है, जेड सी टी, जहाँ W पदार्थ की मात्रा है, जेड क्या है, रासायनिक समतुल्यांक स्थिरांक है, टी क्या है, समय है, और क्यू क्या है, आपका आवेश है, क्या है, आवेश है। क्यू बराबर IT होता है ना, IT, तो यहाँ पर सी को कूलम लिखा है तो ठीक है, CT होता है, तो इसको हम IT भी लिख सकते हैं, ZW ZIT भी इसको कह सकते हैं। विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम, दूसरा नियम कहता है कि यह श्रेणी क्रम में जुड़े दो या दो से अधिक विद्युत अपघट्य घोल से समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उनके समतुल्य भार के समानुपाती होता है। कहता है कि अगर श्रेणी क्रम में दो क्या हो, जुड़े हुए हो विद्युत अपघट्य, और उनसे घोल से अगर इक्वल
इलेक्ट्रिक करंट क्या किया जाए, फ्लो किया जाए, प्रवाहित किया जाए, तो इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त पदार्थ की मात्रा होगी उनके जो इक्विवेलेंट वेट होंगे उनके क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा, अर्थात डब्ल्यू वन प्रोपोर्शन ई वन तथा डब्ल्यू टू प्रोपोर्शन ई टू। तो डब्ल्यू वन बटा डब्ल्यू टू जो कहता है वो कहता है क्या होगा, ई वन बट्टा ई टू। तो डब्ल्यू बराबर हम तो जानते हैं कि जेड सी टी, तो डब्ल्यू वन बराबर जेड वन सी टी और डब्ल्यू टू बराबर जेड टू सी टी। और यहाँ पर दोनों का अगर मास पुट किया जाए डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू का, तो आपका आएगा जेड वन सी टी बटा जेड वन सी टू ई वन बटा ई टू, और यह कट जाएगा, यह दोनों कट जाएगा तो बचेगा जेड वन बटा जेड टू बाई ई वन बटा ई टू, अर्थात कहता है कि जेड प्रोपोर्शन क्या हो गया, ई। यही आपका क्या है, फैराडे का भी तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पिछले एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न पदों को समझाए, निम्न पदों को समझाए यानी परिभाषित करना है क्या है। कहता है पहला स्कोटकी दोष, स्कोटकी दोष क्या है, तो यह क्या है, कहता है कि इसमें एक धन आयन तथा एक ऋण आयन अपने निर्धारित स्थान से हटकर क्रिस्टल से गायब हो जाते हैं। ऐसा होने पर दो आयनों के स्थान पर रिक्तियां उत्पन्न हो जाती है। यह प्रायः उच्च समन्वय संख्या वाले मतलब ऐसे कंपाउंड में पाया जाता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, योसेफ यौगिकों में पाया जाता है, जहां धनायन तथा ऋणायन का आकार बराबर होता है। इसका मतलब हुआ कि धनायन और ऋणायन का आकार का बराबर होता है, इसका मतलब कि ज़्यादा अशॉटकी दोष जो है ज़्यादा आपको आयनिक कंपाउंड में पाए जाते होंगे। तो KCl और NaCl इस प्रकार के दोष को शॉर्टकी दोष कहते हैं। इस प्रकार से क्रिस्टल में उत्पन्न दोष से क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है तथा विद्युत धारा कम जाती है, विद्युत धारा कम जाती है। क्या कहता है कि शॉर्टकी दोष क्या है, कहता है कि इसमें एक धनायन तथा एक ऋणायन अपने निर्धारित स्थान से हटकर क्रिस्टल से गायब हो जाते हैं। ऐसा होने पर दो आयनों के स्थान पर रिक्तियां उत्पन्न हो जाती है। यह प्रायः उच्च समन्वय संख्या वाले यौगिकों में पाया जाता है, जहां धनायन तथा ऋणायन का आकार बराबर होता है, जैसे पोटेशियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड। इस प्रकार के दोष को शॉर्टकी दोष कहते हैं। इस प्रकार से क्रिस्टल में उत्पन्न दोष से क्रिस्टल का घनत्व तो कम हो जाता है। यह ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस प्रकार के दोष में क्रिस्टल में क्या घनत्व तो कम होता है, तो आंसर क्या होगा, शॉर्टकी दोष, और तथा विद्युत धारा कम जाती है। नेक्स्ट कहता है कि फ्रेंकल दोष क्या है, फ्रेंकल दोष क्या है, जब किसी क्रिस्टल में एक आयन के अपने स्थान से गायब होकर अंतराली स्थान में फंस जाता है, तब आयन का स्थान रिक्त हो जाता है। इस प्रकार के उत्पन्न दोष को फ्रेंकल दोष कहा जाता है। कहता है जब किसी क्रिस्टल में एक आयन के अपने स्थान से गायब होकर अंतरकाशीय स्थान में फंस जाता है, तब आयन का स्थान रिक्त हो जाता है। इस प्रकार के उत्पन्न दोष को फ्रेंकल दोष कहा जाता है। यह प्रायः वैसे आयनिक युग्मों में पाया जाता है जहां ऋण आयन का आकार धनायन की तुलना में बहुत क्या होता है, बड़ा होता है, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड, जिंक सल्फाइड इत्यादि। इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व तो प्रभावित नहीं होता और विद्युत चालकता बढ़ जाती है। तो यह भी क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप का कि अगर पूछ सकता है कि किस प्रकार के दोष में विद्युत चालकता बढ़ जाती है, तो आंसर क्या होगा आपका, फ्रेंकल दोष। तीसरा दोष है अंतराली दोष क्या है, अंतरकाशी दोष। जब परमाणु या आयन अंतराली रिक्तियां में उपस्थित होते हैं, तब इस उत्पन्न दोष को अंतराली दोष कहता है। कहता है कि जब परमाणु या आयन अंतराली रिक्तिका में क्या होता है, उपस्थित होते हैं, तब इस प्रकार के उत्पन्न दोष को अंतराली दोष कहा जाता है। तो यह आपका जो दोष है, शॉर्टकी दोष, फ्रेंकल दोष, अंतराली दोष, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामों में पूछ चुका है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है पी टी एन एच थ्री ट्वाइस सी एल टू के समवायों की संरचना लिखें, पी टू एन एच थ्री ट्वाइस सी एल टू के समवाय को संरचना लिखते हैं। समवायता समवाय क्या है, आप लिखे होंगे, पढ़े होंगे, जानते होंगे कि कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका क्या होता है, जिनका मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उसका स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो उस तरह के घटना जिस कंपाउंडों में पाई जाती है उसको हम कहते हैं आइसोमर्स और आइसोमरिज्म। इस घटना का नाम क्या होता है, आइसोमरिज्म, और वे जो कंपाउंड होते हैं एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। तो वही दिया है आप पी टी एन एस थ्री ट्वेल्व सी एल टू के समूहों की संख्या क्या, नीचे स्ट्रक्चर लिखना है,
तो कहता है कि यह एक समतलीय संकुल है और यह शीस तथा ट्रांस समयों के रूप में होता है। यानी कि PTNSC ट्वाइस CL2 जो है आपको दो फॉर्म में होता है, एक शीस फॉर्म एक ट्रांस फॉर्म। PT आपका क्या है, सेंट्रल एटम है, या NS3 NS3 CL CL, तो यह होगा शीस। और ट्रांस में क्या होता है, आपको रोटेट कर देता है। ट्रांस में क्या होगा, रोटेट कर देता है। यह आ गया यहाँ पर, यह चला गया यहाँ पर, यहीं पर है, यह चला गया यहाँ पर, यह चला गया यहाँ पर, यह हो गया शीस और यह क्या हो गया ट्रांस। शीस में क्या होता है, आपको दोनों किनारे पर जो एटम है लगे रहते हैं, और PT क्या है आपका सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम नहीं बदल जाता है। लेकिन NH3Cl यह चला गया यहाँ पर और यह चला गया यहाँ पर, तो ये आपका बन गया ट्रांसफॉर्म, यह हो गया शीस फॉर्म। यानी कि PTNH3Cl2 की जो जो समूह की संरचना है, यह आपका शीस और ट्रांसफॉर्म में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक न्यूमेरिकल है आपका, कहता है कि देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम AlFCC रामा में पाया जाता है, इसका परमाणु त्रिज्या 125×10^-12 मीटर है। तो कहता है इसके एज लेंथ की गणना करें, और दूसरा कहता है कि एल्युमिनियम के 1 m³ वैल्यू में कितने सेलों की संख्या होगी उसको गणना करें। तो वो पहले हम जानते हैं कि लिख चुका है कि FCC बनावट के लिए एल्युमिनियम जो है FCC में है, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक एक सेल में है। तो FCC बनावट के लिए हम जानते हैं कि एज की लेंथ का जो फॉर्मूला होता है A=√2r होता है, A=√2r, जहाँ ए क्या है लेंथ की लंबाई, एज लेंथ है 2√2r, r क्या है रेडियस है। तो 2×√2 का मान होता है 1.41, और r का वैल्यू दिया है 125×10^-12, 125×10^-12 यह आपका क्या है 12 है, 12 मीटर। इसको मल्टीप्लाई किया तो आपका आया 3.54×10^-10 मीटर। इसलिए अतः कहता है किनारे की लंबाई, एज की लंबाई आपका क्या हो गया 3.54×10^-10 मीटर। अब कहता है इकाई सेल की संख्या, तो आपका वैल्यूम दे दिया है एल्युमिनियम के 1 m³ आयतन, तो इसका तो आयतन दे दिया है, लेकिन उसके सेल की जो आयतन होगा, इकाई सेल का जो आयतन होगा वह नहीं पता है। तो फॉर्मूला है एल्युमिनियम का आयतन बटा इकाई सेल का आयतन। तो एल्युमिनियम का आयतन दिया है 1 m³, और इकाई सेल का आयतन जो है आपका वो कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला आता है 4/3 πr³। इस पर आपके कीजिए निकालेंगे 4/3 πr³ सेल का, तो आपको आएगा इतना 4/3 का इतना आएगा, और पुट कर देंगे तो पुट कर आ गया 2.26 × 10^-18। यहाँ पर कितना लिखा है 2.26 × 10^28, इतना आपको उसमें एकक सेल पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी इलाकों में नमक का छिड़काव रोड पर पड़े बर्फ को गलाने में मदद करता है कैसे। पहाड़ी इलाकों में नमक का छिड़काव रोड पर पड़े बर्फ को गलाने में मदद करता है कैसे। तो कहता है कि जब नमक को सड़क पर पड़े बर्फ पर डाला जाता है, तब बर्फ पिघलना शुरू कर देता है, क्योंकि लवण जल के हिमांक का अवनमन कर देता है। यह भी आपका क्वेश्चन बहुत VVI है, हिमांक का अवनमन, हिमांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का अवनमन, यह भी आपका क्वेश्चन क्या है VVI है, जो राउल्ट के नियम से मिलता है। यह राउल्ट के नियम से संबंधित है यह थ्योरी। तो कहता है जब नमक को सड़क पर बड़े परे बर्फ पर डाला जाता है, तब बर्फ पिघलना शुरू करता है, क्योंकि लवण जल के हिमांक का अवनमन कर देता है। इस प्रकार यह सड़क पर पड़े बर्फ को साफ करने में क्या करता है, मदद करता है। इसका मतलब हुआ कि सड़क क्या हो गया, क्लीन हो गया। अर्ध पारगम में झिल्ली से आप क्या समझते हैं। तो कहता है कि ऐसी फिल्म प्राकृतिक या संश्लेषित जिनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे विलायक के अणु आसानी से निकल पाते हैं, परंतु विलेय के नहीं, ऐसे झिल्लियों को अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जिससे विलेय के अणु, मतलब बहुत छोटे छोटे कण क्या होते हैं आर पार करते हैं, आर पार विलायक के अणु, मतलब विलायक के अणु का मतलब क्या होगा, थोड़ा सा कण बड़ा होगा यानी कि पार करते हैं, लेकिन विलेय के जो अणु है वो बहुत महीन होते हैं, वो पार नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी झिल्लियों को अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। अर्ध मतलब आधा पारगम्य, आधा जाने वाला, मतलब आधा तरह से, पूरा तरह से नहीं जाता, इसलिए आधा तरह जाता है। तो यह होगा आपका अर्ध पारगम्य झिल्ली।
नेक्स्ट कह रहा है कि ए तथा बी तत्वों से बना एक यौगिक का संरचना क्रिस्टलीकृत होता है, जिसमें ए घन के कोना पर है, बी केंद्र पर है, फलक पर है, तथा सूत्र क्या होगा। तो कहता है कि हम जानते हैं कि जब घन के कोना पर है तो वह आपका क्या होगा, आपका क्या होगा, एक होता है एस सी सी, एक होता है बी सी सी, एक होता है एफ सी सी। तो यह हो गया एस सी सी। तो 8 × 1/8 1 हो गया। और यहाँ पर बोला है कि आपको फलक पर है, बी क्या है फलक पर, तो आपका क्या हो गया एफ सी सी। तो 1/2 × 6, 6 को फेस होता है ना, फेस कितना होता है 6 होता है, तो 6 फेस होता है तो 1/2 2 भाग लगा, तो 1/2 × 6 ये हो गया 2 × 3 = 6, और 1 3 आया यानी कि ए, और बी का क्या हुआ 3, तो हो गया AB3। सेल प्रतिक्रिया स्वतः होती है जब यहाँ पर डेल्टा जी ऋणात्मक होती है, सेल प्रतिक्रिया स्वतः नहीं होती जब डेल्टा जी धनात्मक होती है, सेल प्रतिक्रिया साम्यावस्था में होती है जब डेल्टा जी बराबर 0 होती है। ये आपका बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सेल रिएक्शन से संबंधित है। किस प्रतिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई मूल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होती है, तो प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो इसका पावर क्या होगा 0 होगा, इसलिए आपको क्या होगा पावर क्या हो गया 0। कोहरा कौन कोलाइड सिस्टम है द्रव का गैस में, Zn+2 कैसा है प्रतिचुंबकीय है, Zn+2 कैसा है प्रतिचुंबकीय। मैंने आपको अलग से एक वीडियो बना चुका रख चुका है कि किस पदार्थ को हम किस पदार्थ को हम डायमैग्नेटिक कहेंगे और पैरामैग्नेटिक कहेंगे, तो इसके लिए अलग से मैंने आपको वीडियो डाल चुका है कि किसी आयन का, किसी एलिमेंट का अगर पता करना है कि वह फेरोमैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, इसके लिए मैंने आपको अलग से एक वीडियो दे रखा है, आप जाकर वीडियो अपलोडेड में चाहे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दिया होगा, आप जाकर देख लीजिएगा। पता है भूरे वलय संकुल Fe H2O 5 NO SO4 में ओयन ऑफ Fe यानी फेरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इसको बताना है। तो फेरस का ऑक्सीडेशन नंबर जब हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के नियम पर, यह आपका क्या हो गया, यह मान लीजिए एक्स है, यह क्या हो गया 0, यह क्या हुआ NO, यह क्या हुआ NO, NO का मतलब भी क्या हो गया 0, और इससे फिर क्या हुआ -2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा Fe क्या ऑक्सीडेशन क्या आएगा +1, क्या आएगा +1। इसके ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर मैंने क्या किया एक वीडियो दे रखा है कि अगर आपको प्रॉब्लम है कि किसी एलिमेंट का बड़े बड़े कंपाउंडों में, बहुत से बड़े बड़े कंपाउंड में अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन वर्क निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए भी मैंने अलग से एक वीडियो दे रखा है जो आप आसानी से ऑक्सीडेशन में किसी भी एलिमेंट का किसी कंपाउंड में आसानी से निकाल सकते हैं, आप जाकर वीडियो में देख लीजिएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पता किया जाता है। अमोनिया को शुष्क किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। विटामिन सी क्या है, विटामिन सी जो है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, विटामिन सी में क्या है एस्कॉर्बिक